जाए, क्योंकि कराची में सिंध भर में सूरत हाल बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है और जो मार्केट्स हैं उनके औकात कार भी कम कर दिए गए हैं। सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक जो कारोबारी जो सूरत हाल है वो रहेगी। इसी बात करने के लिए हमारे नुमाते हैं फयाज बुखारी, पहले उनसे अपडेट लेते हैं फिर डिस्कशन का आगाज करेंगे। जी फयाज बताइएगा, जाहिर है आज यानी कि पीर के रोज से जो सिंध हुकूमत ने इसने औकात कार तब्दील किए हैं और 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन में जो है वो कर दिया है आगे इजाफा कि 2 हफ्तों का लॉकडाउन रहेगा, शहर की क्या सूरत हाल है? मार्केटों का वक्त 6 बजे है, आप क्या देख रहे हैं, रश कैसा है मार्केट्स में? जी बिल्कुल, एक जानेब तो कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की रिपोर्ट सबके सामने है, तो दूसरी जानेब सिंध हुकूमत ने कुछ अच्छा फैसला किया है कि कुछ हद तक लॉकडाउन में इजाफा कर दिया जाए। सख्ती भी कहने कर रहे हैं कि शायद आज सख्ती आज से ज्यादा हो जाएगी। अच्छा। लेकिन शाम 6 बजे तक तमाम ही मार्केट्स खुली रहती हैं, लेकिन उसके बाद की मैं अगर आपको असलियत बताऊं तो पुलिस और रेंजर्स तो गश्त करती भी जाती है, सायरन भी बजाया जाता है, हुटर भी बजाया जाता है, लेकिन जैसे ही पुलिस आगे जाती है फौरी तौर पर शटर्स ओपन कर दिए जाते हैं और लाइटें बुझाने के बाद फिर से लाइटें खोल दी जाती हैं और कारोबार का सिलसिला रात गए तक जारी रहता है। वैसे तो शाम 6 बजे तक तमाम ही मार्केट्स को बंद हो जाना चाहिए, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर भी एक मजाक ही किया जा रहा है, क्योंकि जिन जिन घरों में स्मार्ट लॉकडाउन और उनके नाम आए हैं कि फला फला घर में ये कोरोना का पेशेंट मौजूद है, वहाँ पर भी कोई इकदाम खास नहीं किए गए हैं, ना उस गली को कोई पुलिस का पहरा देता नजर आता है, ना ही कोई टेंट लगाकर उस गली को बंद किया जाता है, बल्कि अतराफ में ये भी कहा गया था कि डबल सवारी को मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। अगर जिला बस्ती की बात की जाए तो 4 बड़े जो टाउन्स हैं उसका नाम लिया गया था कि गुलबर्ग, नॉर्थ नाजमाबाद और नॉर्थ कराची और इसके साथ ही सरजानी टाउन, लियाकताबाद, गुलबर्ग, ये तमाम वो हिस्से हैं जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन अच्छे तरीके से लगाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर भी हमें रात गए तक लोग चाय के होटल्स पर लड़के खाते पीते नजर आते हैं। इसके अलावा मार्केट्स और दुकानें खुली नजर आती हैं, पुलिस भी इस वक्त ऐसे ही घूमती नजर आती है, रश जो है इंतहा का है, ऐसा लग रहा है कि रमजान ईद तो खत्म हो गई लेकिन लोग अभी भी लेकिन हाँ बिल्कुल सही फयाज बुखारी, बहुत शुक्रिया। जो सिंध हुकूमत इकदाम कर रही है, लोग उन इकदाम पर अमल दरामद करते हुए नजर नहीं आते, लेकिन लोगों पर सख्ती करनी पड़ती है अगर केस बढ़ रहे हैं और हुकूमत समझती है कि 2 हफ्तों का लॉकडाउन जो है वो नागुजीर है, तो उस पर अमल दरामद भी करवाना होगा।